यूं तो दुनिया में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो कम अरसे में शोहरत की बुलंदियों को छू लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मकसद एक ऐसे नौजवान की मिसाल आपके सामने रखना है जिसने अंतक मेहनत, हिम्मत और हौसले से वो मुकाम हासिल कर लिया है जो बहुत कम लोग हासिल कर सकते हैं। वक्त को ज़ाया किए बगैर आज उनकी कामयाबी की कहानी आपके सामने रख रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइएगा। इत्तफाक ऐसा है कि हमारी जो आजकल मुआशी सिचुएशन है बहुत ज़्यादा उर्दू हो गई, उसमें आपको आपका सर्वाइवल काफ़ी मुश्किल हो गया किसी भी एक जगह कमाने से। तो जो हम जैसे लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, मुख्तलिफ ज़रियों से कमा के हम लोग घरों में लेके आते हैं। लेकिन मैंने जो भी किया, जितना भी किया है, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे बिलीव्स मुझे जब मैं कुछ करने जा रहा होता तो मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस के से भी पहले जो चीज़ आती है वो ये आती है कि मैं ये करूँगा और अल्लाह पाक मुझे जो है इसमें कामयाबी दिलवाएंगे। नौकरी में था तो मेरी एक अच्छी डेजिग्नेशन थी, एक अच्छी पोस्ट थी। फिर मैंने अर्ली एज में मैंने अपने बिज़नेस शुरू किए, जो कि मैंने जमा किए पैसे। ऑल दो इस सारे दौरान आपको एक बंदा अच्छा मिलता है तो 9 बंदे बुरे मिलते हैं। आप अकेले लड़ रहे होते हैं और मैदान में 10 आपको मारने वाले होते हैं। अगर आप उन 10 से जीतोगे तो अपने आपके नसीब में स्ट्रगल है ही है, इसी चीज़ का नाम मेहनत है। इनकी इस कामयाबी का राज फैमिली सपोर्ट तो है, इसके अलावा एक्स्ट्रा वर्किंग और कुछ अलग सोचना भी है। आधे लोग आते ही इनकी वजह से, इससे पहले अगर जिम में आते थे तो इनके एटीट्यूड की वजह से आते थे आधे लोग। इनमें खासियत है, ये बंदे को जीत लेते हैं, बहुत अच्छे हैं। और ये ट्रेनिंग के 4,000 लेते हैं, हमें ऐसे ही बताए थे कभी कभी। ट्रेनिंग करने के 4,000 लेते हैं लेकिन हमें वैसे ही कभी बताए थे कोई एक्सरसाइज, उस वजह से तो काफ़ी नाइस पर्सन है। एक तो इनसे ये सीखे कि आपकी ज़िंदगी में रिस्क लेना चाहिए आपको। एक इनकी ये स्टोरी कि इन्होंने जिम के लिए अपनी जॉब छोड़ दी, तो ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है हमारे लिए कि आपने अगर कुछ करना है तो कुछ छोड़ना भी होगा। मैंने तो अहमद की ज़िंदगी से एक सबक तो ले लिया है, और वो ये कि ज़िंदगी में शॉर्टकट नाम की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, अच्छी सोच, अच्छी तरबियत और अच्छा इखलाक इंसान के ना सिर्फ किरदार की अकासी करता है बल्कि इसकी तरक्की की वजह भी बन जाता है।